हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट नेक बैंड के बारे में। अगर आप एक बेस्ट वायरलेस नेक बैंड खरीदना चाहते हो 2000 रुपये के प्राइस में, तो आज की जो वीडियो इनमें मैंने टॉप 5 बेस्ट नेक बैंड ऐड किए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और दोस्तों, इनका एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, कम से कम हमको यहाँ पर 12 घंटे का बैटरी बैकअप तो होना ही चाहिए, 9.2 mm के ड्राइवर तो होने ही चाहिए कम से कम, और अधिक से अधिक आपको बहुत सारे ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे इन नेक बैंड में। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि साउंड क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 5 टॉप 5 बेस्ट नेक बैंड ऐड किए हुए हैं, ये सारे वैल्यू फॉर मनी है और काफ़ी बेस्ट है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि कौन सा बेस्ट नेक बैंड रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना के देरी के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नेक बैंड निकल के आती है बोट की तरफ से, बोट रोकर 385 V2, यहाँ पर आपको 40 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है, 10 mm के ड्राइवर देखने को मिलेंगे, IPX6 की रेटिंग देखने को मिल जाती है और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग में आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको नॉइस कंसोलेशन थोड़ा लो देखने को मिल सकता है और इसका बेस भी थोड़ा डाउन लगता है। तो दोस्तों, ओवरऑल इस नेक बैंड की बात करें तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, इसकी मैंने प्राइस की बात करें तो ये जो नेक बैंड है 1999 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट नेक बैंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो नेक बैंड निकल के आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी बड्स वायरलेस 2, यहाँ पर आपको 22 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो 12 घंटे का बैकअप देखने को मिल जाता है। इसमें आपको काफ़ी बड़े ड्राइवर देखने को मिलेंगे, 13.6 mm के ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, IPX5 की रेटिंग देखने को मिलेगी, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एक्यूरेट साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। जो नेक बैंड है मल्टीपल फीचर्स के साथ आता है, तो यहाँ पर एक अच्छा रियलमी की तरफ से एक अच्छा नेक बैंड हम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों, ये मल्टीपल डिवाइस से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इसकी मैंने प्राइस है फ्रेंड्स 2300 रुपये, ऑफर वगैरह लगा कर ये आप इसे सस्ते में खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट नेक बैंड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये जो नेक बैंड निकल के आती है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो इनको M31, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, ठीक और बेस्ट बिल्ड क्वालिटी है इसकी। यहाँ पर आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा और अगर आप इसको 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो 180 मिनट का बैकअप देखने को मिल जाता है, 9.2 mm का ड्राइवर देखने को मिलेगा, IPX5 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो इसके साउंड क्वालिटी है ये कंसोलेशन बेस्ट कर देता है, नॉइस कंसोलेशन, एक्सीलेंट साउंड देखने को मिल जाता है इस नेक बैंड में। तो साउंड क्वालिटी के मामले में ये एक बेस्ट नेक बैंड है। यहाँ पर बैटरी बैकअप थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसकी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट है। इसकी मैंने प्राइस है 2000 रुपये। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट नेक बैंड के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नेक बैंड निकल के आता है वन प्लस की तरफ से, वन प्लस वायरलेस बुलेट जेड बेस, यहाँ पर अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, एक ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 17 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप इस नेक बैंड को 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो 10 घंटे का बैकअप यहाँ पर मिल जाएगा, 9.2 mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है, IP55 की रेटिंग देखने को मिलेगी जो कि एक अच्छी रेटिंग है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत नॉइज़ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इसकी मेन प्राइस की बात करें तो 1999 रुपये में आप इस नेक बैंड को बाई कर सकते हैं और ऑफ़र वगैरह में ये जो नेक बैंड है और आपको सस्ता मिल सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट नेक बैंड के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो नेक बैंड निकल के आती है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो इनको M32, ये एक लेटेस्ट नेक बैंड है, यहाँ पर आपको 28 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस नेक बैंड को 10 मिनट तक चार्ज करते हो तो यहाँ पर आपको 20 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, 10 mm का ड्राइवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, IP54 की रेटिंग देखने को मिलेगी जो कि एक अच्छी रेटिंग है, ब्लूटूथ 5.0 का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये जो नेक बैंड है मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, AI नॉइस कंसोलेशन देखने को मिल जाता है, चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी एक अच्छी देखने को मिल रही है, अच्छी ठीक ठाक क्वालिटी देखने को मिल जाती है इस नेक बैंड में साउंड क्वालिटी। इसकी मेन प्राइस की बात करें तो 1800 रुपये इसकी मेन प्राइस है, ऑफर वगैरह लगाकर आप इसे और सस्ते दाम में खरीद सकते हैं।
तो दोस्तों मुझे जो बेस्ट नेकबैंड लगता है ओप्पो की तरफ से ओप्पो इनको M32, ये एक बेस्ट नेकबैंड है दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें इस नेकबैंड में बेस्ट देखने को मिल जाती है। और दोस्तों आपको टॉप 5 बेस्ट नेकबैंड में से कौन सा बेस्ट लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।